गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ की हमारी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रंप ऑफ सर्जरी इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी की समरी बता देता हूँ। यह स्टोरी ए ट्रंप ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट के द्वारा लिखी हुई है। इस स्टोरी में ट्रिकी एक स्मॉल डॉग की कहानी है, जिसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे उसे खाने पीने के लिए बहुत कुछ देती हैं, क्योंकि वह एक रिच पर्सन है, उनके पास खाने पीने की कमी नहीं है, तो उस डॉग को खिलाया बहुत कुछ आता है, लेकिन जितना उसको खिलाया जाता है उस हिसाब से उसको एक्सरसाइज और रनिंग करने का मौका नहीं दिया जाता। परिणाम यह होता है कि वह स्मॉल डॉग एक दिन बहुत ही सीरियस रूप से बीमार हो जाता है। उसकी कंडीशन ये होती है कि जब वेटनरी डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट को बुलाया जाता है, तो उसकी कंडीशन को देखते हुए वे मिसेस पम्फ्रे को सलाह देते हैं कि इस डॉग को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। मिसेस पम्फ्रे वेटनरी डॉक्टर की सलाह को मानते हुए उसे हॉस्पिटलाइज कर देती हैं। जेम्स हैरियट ट्रिकी को अपनी कार में बिठाकर अपने सर्जरी सेंटर पर ले आते हैं, जहां की 2 वीक्स तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। स्टार्टिंग के 2 डेज तक उसे सिर्फ वाटर डाइट पर रखा जाता है। शुरुआत में ट्रिकी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, अपने पास आने वाले अदर डॉग्स को भी वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, उनके साथ खेलता नहीं है, उनके पीछे दौड़ता नहीं है, लेकिन अचानक 3rd दिन उसमें कुछ एनर्जी आती है और वह अपने पास आने वाले डॉग्स को के साथ खेलना शुरू कर देता है, उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके हालत में सुधार होने लगता है और कुछ ही दिनों के अंदर वह एकदम फिट स्ट्रांग और एनर्जेटिक डॉग बन जाता है। इधर मिसेस पम्फ्रे अपने पेट के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित थीं, बार बार वह जेम्स हैरियट को कॉल करती हैं, उनसे उसकी ट्रिकी के हालचाल जानने की कोशिश करती हैं। अंत में वेटनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट मिसेस पम्फ्रे से कहते हैं कि अब आप अपने डॉग को ले जा सकती हैं, अब वह बिल्कुल स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसे आप अपने साथ ले जा सकती हैं। मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को लेने के लिए सर्जरी सेंटर पहुंचती हैं और अपने डॉग की परफेक्ट कंडीशन को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तो यह थी इस स्टोरी की समरी। चलिए अब हम इसको लाइन टू लाइन इस स्टोरी की स्टडी करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस समय इस बार मैं ट्रिकी की कंडीशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। ही हैड बिकम ह्यूजली फिट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लैग एट ईच कॉर्नर। जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी और मुझे उसका हुलिया देखकर सदमा लगा। वह अत्यधिक मोटा हो गया था, एक फूले हुए कीमे की तरह, जिसके प्रत्येक कोने में एक टांग लगी हो। हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी आंखें खून से लाल व गीड़ में सनी सीधी सीधी घूर रही थी तथा उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी।
Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. Mrs. Pumphrey ने जल्दी से समझाया, वह बिल्कुल निरुत्साही हो गया है श्रीमान हैरियट। ऐसा लगता है मानो उसमें कोई एनर्जी ही ना बची हो। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. मैंने सोचा वह अवश्य ही कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए मैं उसको ताकतवर बनाने के लिए भोजन के समय के मध्य में कुछ अतिरिक्त माल्ट, मछली का तेल तथा रात के समय एक प्याला हॉर्लिक्स दे रही हूँ, जिससे कि वह सो सके। वास्तव में कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं दे रही हूँ। And did you cut down on the sweet things as I told you? और जैसा मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने मीठी चीज़ों में कमी की? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. ओह, मैंने ज़रा सी कमी की थी, किंतु वह इतना कमज़ोर दिखता था कि मुझे उसे छूट देनी पड़ी। He does love क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, वह क्रीम केक व चॉकलेट तो बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको ये चीज़ें देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगैन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे कुत्ते पर फिर से नज़र डाली। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। ट्रकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र दोष उसका ग्रीडनेस था, उसका लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह भोजन के लिए कभी मना नहीं कर सकता था। उसे बार बार भोजन दिया जाए तो भी वह खाने के लिए तैयार रहता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात के किसी भी समय खाने में जुट जाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैडन्ट मेंशन्ड, और मैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहता था जिसका मिसिस पम्फ्रे ने वर्णन नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसको खूब व्यायाम करवा रही हो? वेल, He has his little walks with me, as you can see, but Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. हाँ, मेरे साथ वह थोड़ा घूम लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो गार्डनर हॉडकिन, वो लुम्बागो यानी कमर दर्द से परेशान है, इसलिए काफ़ी समय से रिंग फेंकने वाला खेल उसे नहीं खिलाया गया है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, मैंने गंभीर आवाज में घोषणा करने का प्रयास किया, अब मैं वास्तव में कहता हूँ। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, कि यदि तुमने तुरंत ही उसके फूड में, उसके भोजन में कटौती नहीं की तथा उसको ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाया, तो वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ेगा और उसको बिल्कुल अति नियमनिष्ठ आहार पर रखना होगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मला। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे निश्चित रूप से पता है कि आप सही हैं, लेकिन यह करना बहुत ही कठिन है।
बहुत ही कठिन है। शी सैट अप हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमिंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली। वह सिर झुकाए सड़क के किनारे किनारे चल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो कि वह नवीन निर्धारित आहार व्यायाम व्यवस्था को तुरंत व्यवहार में लाने के लिए दृढ़ निश्चयी थी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ट्रकी ऊन का छोटा सा कोट पहने डगमगाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। ट्रिकी के पास ऐसे कोटों से भरी हुई एक पूरी अलमारी थी, ठंडे मौसम के लिए बरसाती कोटों, बरसाती कोट बरसात के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह पट्टे और चैन के बोझ के तले झुका हुआ बड़ी ही कठिनाई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। मैंने विचार किया कि ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है जब श्रीमती पम्फ्रे मुझे कुछ समाचार सुनाएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में बुलावा आ गया। मिसिस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसिस पम्फ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। वह अपने मनपसंद पकवान को भी खाने से इनकार कर रहा था और इसके अतिरिक्त उसे बार बार उल्टियाँ भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। वह अपना सारा समय हाँफते हुए कालीन पर लेटे हुए बिता रहा था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। वह भ्रमण पर भी नहीं जाना चाहता था और कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपना प्लान पहले से ही बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। मैंने सुझाव दिया कि निगरानी में रखे जाने के लिए उसे लगभग कुछ समय के लिए बाहर ले जाना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने उन्हें सलाह दी कि उसे कम से कम एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड। बेचारी महिला बेहोश सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे यह निश्चित रूप से पता था कि यदि ट्रिकी को वह रोज नहीं देखेगी, ट्रिकी उसे रोज नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैंने दृढ़तापूर्वक काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसको बचाने का एकमात्र यही तरीका था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वास्तव में मुझे यह सबसे सही लगा कि उसे बिना देरी के तुरंत ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स। और अपने पीछे श्रीमती पम्फ्रे को रोते हुए मैं छोड़ गया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैंने उस छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेट कर कार की ओर प्रस्थान कर दिया। द एंटायर स्टाफ वॉच रस्ट एंड मैट्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल। संपूर्ण स्टाफ सक्रिय हो गया था। नौकरानियां उसके दिन के बिस्तर
उसके रात के बिस्तर, उसकी प्रिय गद्दियाँ, खिलौने व रबड़ के रिंग, नाश्ते का प्याला, दोपहर के भोजन का प्याला, सायकालीन भोजन का प्याला लेने के लिए भाग दौड़ करने लगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। यह महसूस करते हुए कि मेरी कार उन सब सामानों को कभी नहीं रख पाएंगी, मैंने गाड़ी को चलाना प्रारंभ कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पंपरे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं रवाना हुआ, श्रीमती पंपरे ने निराशापूर्ण रुदन के साथ दोनों हाथों में थामे हुए छोटे कोट को खिड़की में से अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। घर के दरवाजे तक चौड़े रास्ते के मोड़ पर घूमने से पहले मैंने शीशे में देखा कि प्रत्येक की आंखों में आंसू थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। बाहर सड़क पर आकर मैंने मेरी बगल की सीट पर हांफते हुए उस दयनीय छोटे जानवर पर नज़र डाली। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी दुम हिलाने का बहादुरीपूर्ण प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, यू हैवंट ए किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। बेचारा बूढ़ा लड़का, मैंने कहा, तुम्हारे अंदर कोई रोमांच नहीं है, किंतु मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा उपचार जानता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।